नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग गांव से, अलग अलग इलाकों से अलग अलग कहानियां आप तक पहुंचाता रहा हूं मैं, और आज भी हरियाणा के एक छोटे से गांव से आपके लिए, देश के लिए एक सरप्राइज है। आइए। पानीपत की रणभूमि पर महादंगल। हम भी एक दिन देश के लिए मेडल लेकर आए और अपनी फाउंडेशन का नाम रोशन करें, हमारे ऊपर भी कोई फिल्म बनाए। असली सुल्तान बनाने की फैक्ट्री। मैंने सोचा कि अपने अंदर जो टैलेंट है कम से कम दूसरों में बांटूं उसको, ताकि बच्चे आगे जाके मेरे को याद करें। टाइगर के शागिर्दों का सुपर दंगल। गुरु जी का आशीर्वाद भी था, मम्मी पापा का आशीर्वाद भी था, और मैंने बेस्ट मन में यही थे कि गोल्ड मेडल लाना है। ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी मेहनत पर भरोसा होता है, क्योंकि कोच साहब बहुत कड़ी मेहनत करवाते कंपटीशन टाइम पे। छोटे पहलवानों के हैरान करने वाले दांव। हरियाणा में छोटे छोटे बाहुबली। सुबह प्रैक्टिस करने के बाद जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद टाइम हो जाता है जब यहाँ का, हम यहाँ पे आते हैं। दुनिया भर में नन्हे सुल्तानों की शोहरत। मिट्टी में संघर्ष करती लड़कियों का जुनून। कड़ी मेहनत करेंगे और हमारे कोच का और हमारे गांव का और हमारे देश का नाम हम उनकी तरह एक दिन रोशन करेंगे। देश के युवा सुल्तानों को सलाम। जी हाँ, तो यहाँ तैयार होते हैं देश के नन्हे पहलवान। आधे बच्चे एक बार ब्रिज बनाएंगे और आधे एक बार पहले छोटे बच्चे आ जाओ। या स्टार्ट, शाबाश, या चेंज, बड़े बच्चे। तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ कर बेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ये बच्चे हरियाणा के धाकर हैं, हड्डियां तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। ये वीर दुनिया में पहलवानी के दंगल को जीत हिंदुस्तान के सुल्तान बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये हरियाणा के पानीपत में नन्हे पहलवानों की पाठशाला है, जहां कुश्ती और जूडो के पैंतरों में महारत हासिल करने के लिए ये छोटे छोटे बच्चे खून पसीना एक कर रहे हैं, ताकि आने वाले सालों में ये बच्चे गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत दुनिया में देश का परचम और ऊंचा लहराए। दो लाइन बना लो, दो दो। ये जो नन्हे पहलवान हैं, इनको तराशने का काम करते हैं नरेंद्र मलिक, जिनको टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल लेवल पे खेले, कई सारे मेडल्स जीते, लेकिन सरकारी नौकरी भी कर सकते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी भी बसर कर सकते थे, दिल्ली या किसी दूसरे बड़े महानगर में अपने परिवार के साथ रह भी सकते थे। लेकिन क्या तय किया और क्यों तय किया कि आगे की ज़िंदगी अगर बसर करनी है तो इन पहलवानों के साथ, इन नन्हे पहलवानों के साथ ही बसर करनी है। मैंने सोचा कि अपने अंदर जो टैलेंट है कम से कम दूसरों में बांटूँ उसको, ताकि बच्चे आगे जाके मेरे को याद करें, और साथ ही साथ है ना, मेरा एक अच्छा खिलाड़ी तैयार करने के साथ साथ एक अच्छी एजुकेशन देना भी है मेरा टारगेट। कुश्ती और जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले कोच नरेंद्र मलिक अब इन नन्हे खिलाड़ियों को तराशने में लगे हैं। गांव बुआना लाखू में वो कुश्ती की ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के पहलवानों को चुनौती दे रही है। हमारे कम से कम टोटल 70 मेडल पड़ते हैं हमारे
जो आज तक बच्चों ने लिए हैं। चार बच्चे तो ऐसे हैं जो कि स्कूल नेशनल लेवल पर जिनके गोल्ड आ चुके हैं, तीन तो अकेले बच्चे के हैं। खुद कभी शानदार पहलवान रहे नरेंद्र मलिक, तकरीबन 800 गज की इस एकेडमी में गरीब और मिडिल क्लास के 8 से 18 साल के 50 से भी ज्यादा पहलवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहां ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों में पानीपत, जींद और सोनीपत जिले के 12 गांव के पहलवान शामिल हैं। और हां, इनमें देश की बेटियां भी तैयार हो रही हैं। साल 2017 में नेशनल सैम्बो रेसलिंग में इस एकेडमी के बच्चों ने मेडल्स जीते और वो तमाम बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। क्या मन में था, यहाँ की ट्रेनिंग मन में थी, गुरुजी का आशीर्वाद था और क्या चल रहा था? ये सर, गुरुजी का आशीर्वाद भी था, मम्मी पापा का आशीर्वाद भी था और मैंने बस मन में यही थे कि गोल्ड मेडल लाना है। कुश्ती कोच नरेंद्र रोजाना 6 घंटे कुश्ती की ट्रेनिंग देते हैं। ये नन्हे पहलवान सुबह सुबह 4:30 बजे मैदान में दस्तक दे देते हैं और पसीना बहाना शुरू कर देते हैं। जो हमारा अंकल है वो हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी वहाँ यहाँ पे आके आना चाहिए और देश के लिए मेडल लाना चाहिए। शाम के वक्त इन्हें 2 दिन कुश्ती की तकनीकी ट्रेनिंग दी जाती है और 1 दिन ये बच्चे कंपटीशन बाउट लड़ते हैं। टाइगर मलिक नन्हे पहलवानों की वेट ट्रेनिंग, दौड़, फिजिकल फिटनेस का भी पूरा ख्याल रखते हैं। हर हफ्ते 1 बार इन सभी बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उन्हें नन्हे पहलवानों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताई जाती है। अब तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, हमारे भी यहाँ दो बेटे रहते थे, दो पढ़ ये करते थे, तो अभी एक बड़ा बेटा तो एयरफोर्स में लग गया इस एकेडमी से और छोटा बेटा वो कर रहा है। मैं तो जितनी आज़ादी नहीं थी खेलने कूदने की, पर समाज के अनुसार सारी चीज बदलाव आ रही है जी, बच्चे बदल रहा है। हाँ जी, बदल रहा जी। दुनिया में देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए ये बच्चे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब तक करीब 70 गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने वाले इन बच्चों के पास न तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रोफेशनल मैट्स हैं और न ही स्टेडियम, लेकिन जिद और जज्बा ऐसा कि इस खुले मैदान में खून पसीना एक कर वो कर दिखा रहे हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ी सारी सहूलियतों के बावजूद नहीं कर पाए।